हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैकलिन जरा फैन ऑन कर दो। ओके बॉस। वहां से कुछ लेके तो नहीं आए? कैसे चलोगे? ये सब हो क्या रहा है? मुझे क्यों मारना चाहती हो? जिंदा नहीं बचेगा, मार दूंगी। कुछ ना कुछ है यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चेकिंग दरवाजा खोलो। बॉस, सारे डोर्स को मैंने लॉक कर दिया है। लैपटॉप ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? मार दूंगी बॉस। नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। जैकलिन, मुझे मत मारना। क्या करूं मैं? ये पानी, पानी गिरा, ये वायर लटक रही है, खुली वायर है। अभिजीत, लगता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही मौत हुई है, और तो कोई वजह दिख नहीं रही है। विजय के भाई हो ना तुम? जी सर। सर, बॉडी पे ना कोई चोट है, ना ही जख्म का निशान है। पंकज, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज। मगर सर, कोई हादसा नहीं है सर। सर, मेरे भाई का मर्डर हुआ है, मर्डर। देखिए, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे भाई का खून हुआ है, है? क्या शक है तुम्हें किसी पर? किसने किया होगा ये? हाँ भैया के एक नहीं बल्कि हजारों दुश्मन है सर। हजारों दुश्मन? ये तेरे कांच का टुकड़ा, ये वास का टूटा हुआ हिस्सा, सर ऐसे देख के लगता है कि कोई जबर से इस घर के अंदर घुसा है। वैसे निधि जी, विजय की दुश्मनी किसके साथ थी? विजय के फैक्ट्री के मजदूर कई दिनों से नाराज थे उन पर, और उन्होंने कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी सर। लेकिन आपके घर में कोई घुसेगा भी कैसे? देखिए, इतनी टाइट सिक्योरिटी है, अलार्म सिस्टम है, सीसीटीवी कैमराज है। यस सर, इट्स अ स्मार्ट होम। हाँ सर, इन्होंने बताया था यहाँ पर हीटिंग, एसी, लाइटिंग, वेंटिलेशन सब कुछ रिमोट पे चलता है। अच्छा, तो निधि जी एक और सवाल उठता है कि इतने टाइट सिक्योरिटी वाले हाईटेक घर में, ये स्मार्ट हाउस में, ये कोई जबरदस्ती अंदर घुस कैसे आया? पता नहीं सर। निधि जी,
सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखना चाहते हैं हम। विजय भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछा कौन कर रहा है ये तो दिख नहीं रहा। सर, ये कोई अदृश्य ताकत तो नहीं है? पंकज, ये ख्याल दोबारा गलती से भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना इसी हिसाब तुम्हें अदृश्य कर देंगे सीआईडी से। जरूर उन मजदूरों ने कुछ किया है, वो ही जिम्मेदार है मेरे पति के मौत की। जितने भी मजदूर हैं, उन सब के एड्रेसेस हमें चाहिए। साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये सब ठीक नहीं हो रहा साहब। साहब, हम लोग गरीब मजदूर जरूर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पर आप खून का इल्जाम लगा देंगे। इधर आइए। देखो, हम लोग किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये सच नहीं है कि आप सब ने विजय को जान से मारने की धमकियां दी थी? ये सब किसने कहा सर आपसे? विजय ने कहा है, इसलिए अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। जिसने भी किया है चुपचाप सामने आ जाए, समझे? सर, मैं मानता हूँ कि हमने कई बार गुस्से में इस तरह की धमकियां वगैरह दी होंगी, पर विजय साहब का खून करने के बारे में हम में से कोई भी सोच नहीं सकता। हाँ साहब, उनकी मौत से हमारा क्या फायदा है, उल्टा हम लोगों का तो नुकसान हो गया। अब 6 महीने का जो पगार है वो कौन देगा? तो आप लोग विजय जी से इस बात से गुस्सा थे कि उसने पिछले 6 महीने से आप लोगों की तनख्वाह नहीं दी थी? हा? हाँ सर, पिछले कई महीनों से हम लोग उधारी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 महीने से बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं जमा करी, कल ही बच्चों को स्कूल से निकाल दिया ये कहकर कि अगर स्कूल की फीस नहीं लाए तो स्कूल मत आना। अच्छा, ये बताओ, सिर्फ यही एक वजह थी विजय साहब से नाराजगी की या कोई और भी वजह थी? सर, एक वजह ये भी थी कि साहब हमें नौकरी से निकालना चाहते थे। वो क्यों? क्योंकि साहब को लगने लगा था कि मशीनें इंसान से ज्यादा अच्छा काम करती हैं और ज्यादा मुनाफा भी देती हैं। तो गुस्से में कहीं खून तो नहीं कर दिया? नहीं साहब, उनका खून करने से हमें हमारे पैसे तो नहीं मिलेंगे, उल्टा हमारे बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। कितने मजदूर बेरोजगार हुए होंगे? सर, 100 से ज्यादा। 100 से भी ज्यादा लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए इस विजय की वजह से। मतलब इन 100 लोगों में से कोई भी हो सकता है जिसने विजय का खून किया। पता लगाना पड़ेगा इन सब मजदूरों के बारे में, कौन कौन कहाँ था कल रात। आप रेडी? कुछ पता चला मजदूरों के बारे में, कहाँ थे वो विजय के खून के वक्त? सर, अभी तक सबका पता नहीं चला सर, प्रोसेस चल रही है। सर, आप रही? सर, एक ऐसी बात पता चली है जिसका विजय की मौत से कोई कनेक्शन हो सकता है। क्या? बताओ सर। सर, ये देखिए, करीब करीब मौत के वक्त रात 12:09 पे विजय ने अपने अकाउंट से किसी को 50 करोड़ ट्रांसफर किए थे। 50 करोड़ रुपये? इतनी बड़ी रकम किसके किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए? देखो, पनामा में कोई अकाउंट, किसका है ये पता नहीं। जरूर खूनी ने जबरदस्ती करवाया होगा ये ट्रांजेक्शन विजय पे दबाव डाल के। तो पिछले 6 महीने से वर्कर्स को पगार नहीं दी गई और रातों रात 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। सर, कहीं वो वर्कर्स में से कोई एक तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, पंकज, कोई गरीब मजदूर इतने सिक्योरिटी वाले घर में घुस कर पनामा के जैसे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे? नहीं, ये बात गले से उतरती नहीं है। सर, होगा तो कोई जान पहचान वाला, कोई आस पास का आदमी, कोई ऐसा दुश्मन जो जानता हो कि विजय की घर की सिक्योरिटी को कैसे भेदा जा सकता है। कौन हो सकता है? जैकलीन, अरे भाई बहुत गर्मी लग रही है, तेरा एसी का टेम्परेचर 20 कर देना। कर दिया है बॉस, अब कमरे का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। नाइस। अब जैकलीन, एक काम और करो, मेरे रूम की लाइट्स डिम कर दो, मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। जैकलीन, अरे तुम्हें याद है ना कल मेरी दुबई में मीटिंग है? यस बॉस,
मीटिंग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अच्छा ये बताओ दुबई का टेम्परेचर कल कैसा रहने वाला है? वैसे तो कल दुबई का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, मगर बॉस आपका टेम्परेचर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। क्या मतलब? मतलब बॉस लाश का टेम्परेचर ठंडा होता है। What? लगता है तुम्हारे सॉफ्टवेयर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। ऐसा भद्दा मजाक? ये मजाक नहीं है बॉस, ऐसा सच में होने वाला है। वैसे आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? Shut up! क्या बकवास है? कौन है? कौन है? बाहर आ जाओ। बॉस हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। वैसे आपको मेरी कंपनी पसंद है ना? Shut up! कोई फायदा नहीं है बॉस, सारे डोर्स को मैंने लॉक कर दिया है। बॉस आप अंदर कहाँ घुस गए? चलो बाहर आ जाओ। कौन है तुम? हेलो हेलो हेलो, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, आप लोग जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए प्लीज। खोलो जैकलीन, खोलो। बॉस दरवाजा तभी खुलेगा जब आप मेरी एक बात मानोगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है तो अब अपना लैपटॉप खोलो। लैपटॉप? बोलो। उसके स्क्रीन पे एक बैंक अकाउंट नंबर दिखेगा। है, नंबर है। अब इस अकाउंट नंबर पे 50 करोड़ ट्रांसफर करो। 50 करोड़? वो भी इतनी बड़ी रकम? 50 करोड़ आपकी जान से ज्यादा है क्या? नहीं, मैं दे दूंगा, मैं तुम्हें 50 करोड़ दे दूंगा। हे, ट्रांसफर कर रहा हूँ। देखो मैंने 50 करोड़ ट्रांसफर कर दिए तुम्हारे अकाउंट में। अब मुझे जाने दो। ठीक है बॉस, अब आप जा सकते हो, दरवाजा खुला है। अरे अरे वाह, दरवाजा खुला। बॉस मैंने आपको बेवकूफ बनाया, फोन की दूसरी तरफ मैं ही थी, आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। सर ये झूमर का हुक तो बराबर है सर। सर ये देखिए बेडरूम का सीसीटीवी फुटेज। सर लगता है किसी से बचने के लिए ये बाघ के कमरे में गया और फिर दरवाजा लॉक कर लिया। एक बार इस राजेश की बाइक से बात करते हैं। एक्सक्यूज अस मैम, ये राजेश के अलावा वो सिक्योरिटी को कौन कौन जानता था? राजेश के अलावा तो कोई कौन नहीं जानता था सर, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी कभी नहीं बताया था। सर ये खूनी को कोड कैसे पता चला और वो अंदर आया कैसे? एक मिनट, ये तो ठीक वैसे डिवाइस है जैसे किसी के घर में था। राजेश को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था, मशीन गैजेट्स वगैरह सबसे हमेशा अप टू डेट रहते थे। इस घर को
स्मार्ट होम बना दिया था उन्होंने। हर मशीन को उनकी वर्चुअल असिस्टेंट जैकलिन ऑपरेट करना जानती थी। एक और कॉमन चीज है विजय और राजेश के बीच में, टेक्नोलॉजी से लगाओ। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि राजेश इस बात का समर्थक है कि मशीनों को ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में इंसान को रिप्लेस करना चाहिए, और उन मजदूरों को भी इसी बात से तकलीफ थी विजय के साथ। मैडम, अकाउंट डिपार्टमेंट से फोन आया था कि राजेश सर के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। एक मिनट, वो 50 करोड़ रुपए किसे गए? कोई पनामा का अकाउंट था क्या? जी सर, पर आपको कैसे पता? ऐसा लगता है कि ये विजय और राजेश का खूनी कोई एक ही है जो अमीर लोगों को अपना निशाना बना रहा है। अगर जल्दी नहीं रोका गया तो ना जाने कितने खून होंगे। चलो रघु को भी बताते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रघु भाई दरवाजा खोलो। रघु भाई, अरे रघु भाई दरवाजा खोलो। रघु भाई, रघु भाई, अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई? अरे क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? रघु भाई इधर आओ। कहाँ लेके जा रहे हो? आफत नहीं दौलत आ गई है। दौलत मतलब? अरे मोबाइल चेक करो अपना, मैसेज पढ़ो मैसेज। ₹10 लाख आ गए मेरे अकाउंट में, लेकिन कहाँ से? ये मेरे अकाउंट में किसी ने 10 लाख रुपए डाले? सिर्फ आपके अकाउंट में नहीं भाई, हम सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आ गए। 10-10 लाख। रघु भाई माला माल हो गए हम सब, अपना जिंदगी का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। मैंने तो सोच लिया भाई, एक महंगी सी गाड़ी लूंगा। और मैं अपनी बीवी को लेकर विदेश जाने वाला हूँ। बस एक मिनट ज्यादा हवा में मत उड़ो तुम लोग। इतना सारा पैसा हमारे अकाउंट में आया कहाँ से? अरे क्या फर्क पड़ता है कहीं से भी आया हो। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है बरोड़िया बस्ती में रहने वाले गरीब मजदूरों के साथ, जहां कल तक इनके पास खाने को एक एक दाने तक नहीं थे, आज उन्हीं मजदूरों के अकाउंट में किसी नेक इंसान ने 10 लाख रुपए जमा करा दिए। हालांकि पैसे देने वाला कौन है और कहां से इनके अकाउंट में पैसे आए हैं, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सर पूरा का पूरा पैसा उसी पनामा वाले अकाउंट से आया इन मजदूरों को। ये लो 10-10 लाख रुपए है। ये जो भी है उसने पहले विजय और राजेश का खून कर दिया और फिर उन्हीं का पैसा, मतलब विजय और राजेश का पैसा गरीबों में बांट दिया। मगर सर ये जो कोई भी दरियादिल खूनी है आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी वाले घरों में घुसा कैसे? तो एक बात नोटिस की तुमने, ये विजय और राजेश दोनों के ही टाइट सिक्योरिटी वाले घर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते थे, और फिर दोनों के भी एक ही वर्चुअल असिस्टेंट थी जैकलीन। हाँ सर, तो हो सकता है इस चालाक खूनी ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कुछ हैकिंग वगैरह की हो और इस जैकलीन को उनके ही मालिकों के खिलाफ प्रोग्राम कर दिया हो। सकता है ये जैकलीन वाला सॉफ्टवेयर किस कंपनी का है? सर मशहूर कंपनी बीओटी टेक्नोलॉजीज के मालिक मिस्टर अरविंद, ये जैकलीन उन्हीं की उपज है। आई सी, तो इस जैकलीन के पीछे अरविंद है। अरविंद, आगे से मुझे किसी भी तरह के एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। ही सीरियस टुवर्ड्स योर वर्क। अरविंद जी, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ सवाल पूछना है। सॉरी इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम लोग कल शाम को 5 बजे। मिस्टर अरविंद, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? दो दो खून हुए, ये तो शुक्र है कि हम तुमसे बात करने यहाँ पर आए हैं, वरना आगे की पूछताछ सीआईडी ब्यूरो में भी हो सकती है। बात समझ में आई? अब आप लोग आइए ना, बैठिए ना, क्या लेंगे, चाय कॉफी? अरे तुम लोग यहाँ खड़े क्यों? जाओ चाय कॉफी। वर्चुअल असिस्टेंट जैकलीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, आपने बनाई? जी हाँ, मैंने ही बनाई है और मुझे अपने क्रिएशन पर गर्व है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि आप सीआईडी वालों को भी ब्यूरो हटा कर स्मार्ट ब्यूरो बना लेना चाहिए, और ये अपने हवलदारों को निकालिए और अपने जितने भी ये मर्डर केसेस है उसे
सॉफ्टवेयर से सॉल्व कीजिए, नहीं? तो तुम्हें लगता है कि सॉफ्टवेयर से ये मर्डर केस आसानी से सॉल्व हो जाएगा? बेशक। तो फिर ये भी हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से कोई खूनी खून भी कर सकता है, क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे कई क्लाइंट्स इस्तेमाल करते हैं ना ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल असिस्टेंट, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसे हैक कर दिया जाए और हैक करने के बाद इस वर्चुअल असिस्टेंट से अपने ही मालिक को मार दिया जाए? जिस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने जैकलिन बनाने में किया है, हैक होना तो इम्पॉसिबल है। अगर आपकी तकनीक इतनी ही फुल प्रूफ है तो उनके स्मार्ट होम के जितने भी गैजेट और जितने भी सिस्टम थे वो हैक कैसे हो गए? सर मुझे लगता है कि वो लोगों ने सेटिंग में कुछ गड़बड़ी की है, वरना मेरा ये टेक्नोलॉजी तो एकदम फुल प्रूफ है। टेक्निक चाहे कितनी भी फुल प्रूफ हो, सिक्योर हो, ये जो हैकर्स होते हैं ना उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता इसका तोड़ निकालने में। सिक्योरिटी अलार्म, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। क्या करूं? ओह माय गॉड, इसके पास तो गन भी है। हेलो, क्या ठीक है? हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं। JKH सिक्योरिटी अलार्म कंपनी, उनका फोन था। लगता है इनकी महान टेक्नोलॉजी फिर से हैक हो गई है। शायद वो मशहूर जर्नलिस्ट संजीव, उसके घर में कोई घुस गया। ये तो मेरी कमरे की तरफ ही आ रहा है। संजीव गोली मत चलाना, हम लोग सीआईडी से। गन नीचे रखो। यस, सीआईडी। सॉरी सर, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि आप लोग उस मुजरिम के साथी हैं जो इस घर में आया है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप लोग आ गए इसके लिए मैं बच गया, वरना वो तो मुझे मार देता। कौन मार देता? यहाँ पे तो कोई नहीं था, किसकी बात कर रहे हो तुम? सर वो यही था, दरवाजे पर तो था, देखा नहीं आप लोगों ने? दरवाजे का बाहर हम तो वहीं से आ रहे हैं और आने का रास्ता यही है, हमने तो किसी को नहीं देखा। ये क्या चक्कर है, ऐसे कैसे हवा में गायब हो गया? You know, Jacqueline, my sweetheart, you know, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मजा आया मुझे। अच्छा, ये तो बताओ पहले मेरी जान कि मेरा आज का वर्कआउट कैसे रहा? हाँ? देखो देखो। बहुत बढ़िया बॉस, आपने 650 कैलोरीज बर्न की और आपका मैक्सिमम हार्ट रेट था 160 BPM। इसका मतलब मैं पहले से ज्यादा पतला हो गया है? और हैंडसम भी, है? Is it? हाँ बॉस, आप पहले से काफी जवान भी लग रहे हैं। अच्छा, यू नॉटी गर्ल जैकलिन, अब इसे मैं माइक्रोवेव में रख देता हूँ। ये रखा मैंने, जानेवन इसे ऑन कर दो। अच्छा ये तो बताओ कि मेरा कल का शेड्यूल क्या है? बॉस कल तो आपकी कोई भी मीटिंग नहीं है। क्या बात कर रही हो, लेकिन कल का दिन तो मेरा बड़ा बिजी होना था, एक बार फिर से चेक करो। कर लिया बॉस, कल आपकी कोई भी मीटिंग नहीं है क्योंकि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है।
ही गहरी चाल चली इस खूनी ने। उसका अगला शिकार हमेशा से अरविंद ही था, संजीव नहीं। और सर, जो संजीव के घर पर हुआ वो हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए था। जो कुछ भी हुआ वहां पे सब धूल झोंकने के लिए। अभी हम लोग वहां संजीव के घर में बिजी हो जाएं और खूनी आसानी से अरविंद को अपना अगला शिकार बना दे। मगर सर, वो संजीव के घर पे भी तो मास्क वाला आदमी आया था। पंकज, ये सब एक प्लान था, सब कुछ एक सोचा समझा प्लान। मुझे नहीं लगता कि संजीव के घर पे कोई था। ये फुटेज उसके फोन में पहले से ही डाल दी गई थी। जो हैकर इतना सब कुछ कर सकता है, उसके लिए ये तो एक मामूली सी बात है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, जो सब घरों में लगी है, वो इस अरविंद की बनाई हुई है। तो अगर किसी ने अरविंद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को हैक किया है तो जरूर कोई, वो जरूर अरविंद के लिए काम करता होगा सर। कि ये कोई बाहर वाले आदमी की बस की बात नहीं है सर। तो पता लगाते हैं कि अरविंद की कंपनी में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्हें अरविंद के बराबर जानकारी है और अरविंद जितना दिमाग भी। अरविंद का खून करने वाला इनमें से जो भी कोई है, वो जरूर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक के बारे में बारीकी से जानता है। पर कौन कौन हो सकता है सर? दो लोग हैं जो लगभग अरविंद के बराबर इस टेक्निक को जानते हैं। एक तो ये अमन, इसे अरविंद खुद जीनियस मानता था। और सर, दूसरा है ये राहुल, इसे अरविंद अपने राइवल कंपनी से लेकर आया था ताकि इनकी टेक्निक सबसे ज्यादा मजबूत बन सके। और जितने भी अमीर दोस्त हैं अरविंद के, उन सबके घरों में ये सिस्टम इस राहुल ने इंस्टॉल किया था। और इससे पहले कि ये खूनी किसी और अमीर आदमी को अपना शिकार बनाए, हमें उससे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। सर, मुझे लगता है खूनी का अगला निशाना मेघना हो सकती है। मेघना? हाँ सर, ये मिस्टर अरविंद की बहुत पुराने क्लाइंट है, अमीर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी सपोर्टर। पूरी एक काम करो, जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता तुम इस मेघना के साथ रहोगी, और अभिजीत, दया, इस अमन और राहुल पर कड़ी नजर रखो। नहीं सर, कोई दिखी नहीं रहा। एकदम सुनसान है, ऐसा लगता है कि अमन घर पे है ही नहीं। चलो अंदर चल के देखते हैं। तो तुमने मदद की नरेश की उसके भाई का खून करने में? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? सर भला मैं अपने भाई का खून क्यों करूंगा सर? अच्छा, तो यहाँ पे ये गुपचुप मीटिंग क्या चल रही थी? सर वो क्या है ना कि अरविंद सर की मौत के बाद मैं उनकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता था, तो नरेश सर मुझे ऑफर दे रहे थे अपनी कंपनी में काम करने के लिए। सर ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 5 मॉनिटर सर, लगता है ये कंप्यूटर बहुत तगड़ा है। देखते हैं इस तगड़े कंप्यूटर में क्या क्या डेटा छुपा हुआ है। इसमें तो विजय और राजेश के बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। ये सारे खून अमन ने किए हैं सर।
नमस्ते। सर मुझे तो लगता है कि कोई चाहता है कि ये फाइल आपको मेरे कंप्यूटर में मिले और आप मेरे ऊपर शक करें। तुमको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? सर पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है सर कि अगर अरविंद सर का कंप्यूटर हैक हो सकता है तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हैक हो सकता है सर, क्योंकि उनका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं था। यानी अरविंद का कंप्यूटर जिस किसी ने भी हैक किया है वो उस वक्त वहां खुद मौजूद था, राइट? यस सर। लेकिन अरविंद सर के पर्सनल ऑफिस में तो जाने की परमिशन किसी को थी ही नहीं, यहां तक कि मैं खुद भी कभी वहां नहीं गया। अच्छा, तो कोई तो होगा जिसे परमिशन हो अरविंद के ऑफिस में जाने की। जी सर। सर प्रिया। प्रिया कहां रहती है वो? प्रिया, 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 यहां तो कोई भी नहीं। प्रिया, तुम ठीक हो? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। किसने किसने किया ये सब? हैं? उठो, उठो, बाहर आओ। कौन है? आओ सीआईडी वालों आओ। देश के रखवाले हो ना तुम लोग? तुम में और मुझ में एक बात कॉमन है, मैं भी रखवाली कर रहा हूं उन गरीब बेसहारा लोगों की जिनकी बेरंग दुनिया में जहर घोलकर ये अमीर लोग अपने रंग बिरंगे बैल खड़े करते हैं। और शर्म आनी चाहिए तुम कानून के रखवालों को कि इन कमजोर की मदद करने के बजाय उन लोगों को बचाना चाहते हो जिनका पाप का घड़ा कब का भर चुका है, मगर तुम बचा नहीं पाओगे। बस अब एक आखिरी शिकार बाकी है मेरा, उसे मार दूं फिर सुकून की नींद सो जाऊंगा। अगले एक घंटे में ना वो शिकार जिंदा बचेगा और ना तुम सब। अरे ये क्या? Oh no. ये क्या? जहरीली गैस। पंकज, 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 पंकज। बाहर जाने का कोई और रास्ता दिख ही नहीं रहा। दरवाजा खोलो। सारे दरवाजे ऑटोमेटिक लगते हैं। किचन में जाके देखो, सिलेंडर है क्या? समझ गया सर। चलो क्या क्या लिसन एवरीवन,
आप सबको याद है ना कि ये असाइनमेंट हमको मंथ कंप्लीट होने से पहले करना है। जी मेघना मैम। ओके, और अरे ये आवाज कैसी? शायद आग लगी है मैम, धुआं भी आ रहा है। कमन कमन फास्ट मूव मूव एवरीवन, चलो जल्दी निकलो जल्दी। अरे वो गिर गई, उसको उठाओ कहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। मेघना मेघना, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज डू समथिंग। डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो चलिए। नीचे क्या अजीत बाबू, क्या सोचा तुमने? सीआईडी ऑफिसर को मार के अपना आखिरी खून ऐसे ही पूरा कर लोगे हैं? प्रिया के घर से निकलते ही हमने पूर्वी को मैसेज कर दिया था तुम मेघना को मारने आओगे, और तुम सोच रहे थे कि हम सब मर चुके हैं। लेकिन कंप्यूटर फुटेज मैंने खुद चेक किया था, मेघना उसमें अकेली थी। फिर आप लोग जिस तरह तुम सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर सकते हो, हम लोग भी कर सकते हैं। नकली फुटेज देखी थी तुमने, तुम्हारी मिठाई हमने तुम्ही को खिला दी। जिस वक्त तुम वो नकली फुटेज देख रहे थे, असली कैमरा डिसेबल था, और उसी दौरान हमने सेफली मेघना को बिल्डिंग से बाहर भेज दिया था। अब बताओ क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि नफरत करता हूँ मैं इस टेक्नोलॉजी से। मैं हर उस इंसान से बदला लेना चाहता था, उसे सबक सिखाना चाहता था जो इस टेक्नोलॉजी का समर्थक है। माना हर चीज के अच्छे बुरे पहलू होते हैं, टेक्नोलॉजी के भी हैं, लेकिन इस नई एडवांस टेक्नोलॉजी से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को मेरे पिताजी ने बनाया था, अरविंद ने नहीं। इसलिए इस टेक्नोलॉजी पर पहला अधिकार मेरे पिताजी का था, यहां तक कि जैकलिन भी मेरे पिताजी का आइडिया था। अरविंद ने धोखे से उसका सारा क्रेडिट खुद ले लिया। उस इंसान की वजह से मेरे परिवार को इतनी गरीबी देखनी पड़ी। मेरे पिताजी से रहा नहीं गया, उन्होंने मेरी माँ को, मेरी दोनों बहन को मार दिया, खुद सुसाइड कर लिया। स्कूल गया हुआ था, शायद इसलिए बच गया। तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर
तुमने अपना ये तेज दिमाग सही जगह पे इस्तेमाल किया होता तो आज शायद गरीबों के लिए, समाज के लिए तुम कुछ अच्छा कर पाते। लेकिन जो रास्ता तुमने चुना वो रोशनी का नहीं, अंधेरे का था। अब जेल की अंधेरी कोठरी में बैठोगे तुम फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।